आज हम लोग ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स का फिफ्थ सेशन डील करेंगे। फिफ्थ सेशन सेशन 5 ऑन ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स फॉर अ पॉइंट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सेशन 5 on graph based problems for a point moving along a straight line. For a point moving along a straight line. Section 5 on graph based problems for a point moving along a straight line. इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे जरा। देखिए, मान लेते हैं आगे जो स्ट्रेट लाइन है जिसके अलावा मूव कर रहा है वो एक्स एक्सिस है, मान लीजिए से। अच्छा, हम जानते हैं, मानते हैं जब उसका x कोऑर्डिनेट x है, उसका वेलोसिटी v है, v ब्रैकेट x, मीनिंग v इज अ फंक्शन ऑफ x, और उसका जो एक्सेलरेशन a है वो a वर्सेस ब्रैकेट x है, मतलब उसका जो एक्सेलरेशन a है वो उसके x कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा, पॉइंट p के। अच्छा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो a ब्रैकेट x है वो v dv बाय dx है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस मीन्स v dv बराबर a dx। अच्छा, अब क्या करता है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। v dv बराबर इंटीग्रल ओवर a dx। इंटीग्रल v dv बराबर इंटीग्रल a dx, x1 टू x2। अच्छा, जब उसका x कोऑर्डिनेट x1 है तो उसका वेलोसिटी v1 है से, और जब उसका x कोऑर्डिनेट x2 है तो उसका वेलोसिटी v2 है से। तो जब x कोऑर्डिनेट x1 है तो वेलोसिटी v1 है, x कोऑर्डिनेट x2 है तो वेलोसिटी v2 है। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और लिमिट्स डालेंगे तो कितना हो जाएगा, v2 स्क्वायर बाय 2 माइनस v1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर a dx x1 टू x2। ये देखिए। अच्छा, अगेन ये जो राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है क्या है, इट इज द एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, द लाइंस एक्स बराबर x1 एंड एक्स बराबर x2 एंड a वर्सेस x ग्राफ, a वर्सेस x ग्राफ। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, v2 स्क्वायर बाय 2 माइनस v1 स्क्वायर बाय 2, तो v2 स्क्वायर बाय 2 माइनस v1 स्क्वायर बाय 2 इट इज द चेंज इन द क्वांटिटी v स्क्वायर बाय 2, चेंज इन v स्क्वायर बाय 2। v स्क्वायर बाय 2 का फाइनल वैल्यू है v2 स्क्वायर बाय 2, और v स्क्वायर बाय 2 का इनिशियल वैल्यू है v1 स्क्वायर बाय 2। दोनों का जो चेंज है वही v स्क्वायर बाय 2 का चेंज कहलाएगा, और ये चेंज जो है वो इस एरिया बाउंडेड एरिया के बराबर है। ये जो चेंज इन v स्क्वायर बाय 2 है वही मेरा बाउंडेड एरिया के बराबर है, दैट इज इक्वल टू द बाउंडेड एरिया। तो v स्क्वायर बाय 2 का जो चेंज है वही बाउंडेड एरिया के बराबर है। इसमें एक बात अगेन ध्यान देना है, देखिए कि जैसे इसका, जैसे कि ऐसे देखिए, ये एक्स एक्सिस है, इधर एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये एक्स बराबर x1 है, ये एक्स बराबर x2 है, ये a वर्सेस x का ग्राफ है, ए वर्सेस एक्स ग्राफ है, ये इट इज द ग्राफ ऑफ ए वर्सेस एक्स। ये देखिए इसे, ये जो बाउंडेड एरिया देख रहे हैं, ये एरिया, ये बाउंडेड एरिया देख रहे हैं ना, यही एरिया जो है, यही V2² बाई 2 माइनस V1² बाई 2 है। और इसमें V2 V1 क्या है तो समझ गए आप। V2 क्या है? V2 इज द वेलोसिटी एट x बराबर x2 और V1 क्या है? वेलोसिटी एट x बराबर x1। V1 is the velocity at v बराबर x1 और V2 is the velocity at v बराबर x2। तो v at x1 पर जो velocity है वो V1 है और v at x2 पर जो velocity है वो V2 है। तो V1 इतना है, V2 इतना है। V2² बाई 2 माइनस V1² बाई 2 V² बाई 2 का चेंज देगा और वो वाला इस शेडेड एरिया के बराबर होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है, देखिए एक और पॉइंट जो ध्यान देना है वो ये है कि अगेन ये जो एरिया जो ले आएगा हम लोग, बाउंडेड एरिया, वो साइन के साथ होगा। ये जो क्वांटिटी है इंटीग्रल ओवर a dx x1 टू x2 हैज टू बी टेकन विद साइन। उसको साइन के साथ लेंगे, ये पूरे इंटीग्रल को साइन के साथ लेंगे हम लोग। दिस इंटीग्रल हैज ऑलवेज टू बी टेकन विद प्रॉपर साइन, याद रखिएगा। इतना पॉइंट हम बता दिए, आप लोग समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको मिटा देते हैं पूरा, ठीक है। अच्छा, इसी पर हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। पहला एग्जांपल ये है, ये पॉइंट P मूव्स अलोंग x एक्सिस सच दैट starting with initial velocity of +4 meter per second with an initial velocity of +4 meter per second and its acceleration versus x curve is as shown. Its acceleration versus x curve is as shown. Is as shown below. ये देखिए ऐसा कर्व है, देखिए ये versus x curve कुछ ऐसा है, ये देखिए like this. ये वर्सेस एक्स कर्व इज एज शोन बिलो। ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ओरिजिन हो गया, ये मेरा हो गया एक्स बराबर 4 मीटर, ये देखिए। अच्छा, आपको क्या डिटरमिन करना है? फ्रॉम दिस ग्राफ find the velocity, find the change in velocity of point P in the range इन द रेंज फर्स्ट है 0 to 4 मीटर एंड सेकेंड इन द रेंज 0 to 10 मीटर। चेंज इन वेलोसिटी नहीं, तो इसको कैसे अप्रोच कीजिएगा बोलिए। जैसे फर्स्ट वाला देखिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जो ग्राफ देख रहे हैं ना, दिस सीम टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ है ना। तो 0 to 4 में बोलता है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पी इन द रेंज 0 to 4। मान लेते हैं कि लेट v2b वेलोसिटी एट x बराबर 4। और 0 to 4 मीटर और v1 क्या है, वेलोसिटी एट इनिशियल मोमेंट। अच्छा, इसमें भी मान के चलना है कि पॉइंट इनिशियली ओरिजिन पर था। एट t बराबर 0 द पॉइंट इज एट ओरिजिन। एट t बराबर 0 पॉइंट p इज एट ओरिजिन। तो v1 मेरा हो गया वेलोसिटी एट x बराबर 0। x बराबर 0 मतलब कि ओरिजिन, x 0 पर, टाइम 0 पर ओरिजिन पर है। x जब 0 है तो ओरिजिन है, वहां t टाइम 0 है, तो उसका वेलोसिटी v1 है। v1 कितना दिया है, 4 दिया है। अब हमको जानना क्या है, v2 माइनस v1 जानना है। तो टू फाइंड v2 माइनस v1, अब v1 तो पता है 4 है, खाली हमको v2 जानना है। v2 अगर जानेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब सवाल है v2 कैसे जाना जाए। v2 ऐसे जानिए, तो हम लोग वो कंसेप्ट यूज करेंगे v2 जानने के लिए। हम लोग वो कंसेप्ट यूज करेंगे v2 स्क्वायर बाई 2 माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू दिस शेडेड एरिया A1 इज इक्वल टू A1। इसमें एक बार ध्यान देना है, यहाँ प्लस साइन लेंगे। प्लस साइन काहे लेंगे, प्लस साइन इसलिए लेंगे क्योंकि 0 to 4 मीटर के रेंज में A थ्रू आउट पॉजिटिव है। देखिए, तो प्लस A1 लेंगे, प्लस A1। अब इसको लिखेंगे v2 स्क्वायर बाई 2 माइनस v1 स्क्वायर बाई 2। अब v1 कितना है बताइए, v1 4 है, 4 स्क्वायर बाई 2 बराबर A1। अब A1 ये वाला एरिया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल। बेस होगा 0 से 4 में, तो 4 माइनस 0। हाइट हो जाएगा 0 से 10, 20। तो हो गया आपका, हो गया 16/2। 4 स्क्वायर 16, 16/2 क्या हो गया, 8, 20। v2 स्क्वायर 56 होगा, तो v2 होगा √56 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी होगा v2 माइनस v1 इन √56 माइनस 10। Therefore, change in velocity होगा v2 माइनस v1। v2 मेरा √56 है, देखिए, v1 4 है, √56 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए, एक आंसर आ गया। अच्छा, दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट इन द रेंज 0 to 10 मीटर। तो लेट v3 विद वेलोसिटी एट यहाँ थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन कीजिए डाटा का। जो सेकंड पार्ट जो था 10 मीटर मत कीजिए, मेक इट से 7 मीटर। 10 को 7 कर दीजिए। तो लेट v3 विद वेलोसिटी एट x बराबर 7 मीटर। let v3 be the velocity at x बराबर 7 मीटर. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या बोलता है 0 to 7 मीटर. क्या लिखा है v3 माइनस 0 वेलोसिटी एट v बराबर 7 जो कि x बराबर 7 जो कि v3 माना है माइनस वेलोसिटी एट x बराबर 0 जो कि 4 है. अब ये चेंज निकालने के लिए हमको v3 चाहिए होगा. अब सवाल है v3 कैसे जाना जाए, ये सवाल है. तो v3 के लिए वही कंसेप्ट यूज करेंगे. v स्क्वायर बाय 2 का जो चेंज है वो इंटीग्रल a dx है. a वर्सेस x कर्व का एरिया देता है. अच्छा अब इसको हम क्या करते हैं ऊपर मिटा देते हैं. देखिए तो हमको v3 चाहिए. अब सवाल है हमको v3 जानने के लिए क्या करना पड़ेगा. जी इसको मिटा देते हैं, इसको भी क्यों रहने दें, हटा देते हैं इसको भी. ये देखिए ये मेरा x बराबर 7 मीटर हो गया. देखिए ये देखिए यहाँ वेलोसिटी v3 है मान लिया. ये वाला एरिया को हम लोग a1 बोले थे जी. ये जो एरिया है दिस एरिया ये 2 हो गया. देखिए दिस एरिया इज इक्वल टू a2. तो हमको v3 चाहिए तो वही कंसेप्ट यूज करेंगे. v3 स्क्वायर बाय 2 माइनस v1 स्क्वायर बाय 2. ये चेंज इन v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा. दिस विल बी नथिंग बट द चेंज इन v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा. अब इसको कैसे करेंगे दैट इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व. इसको लिखेंगे एरिया बाउंडेड बाय v1 क्या है समझ गए ना, वेलोसिटी एट x बराबर 0 जो कि आपका 4 मीटर पर सेकेंड है. इसमें v1 आपका 4 मीटर पर सेकेंड है. सो इट इज द एरिया बाउंडेड बाय a वर्सेस x कर्व एंड x जो है x लाई करेगा 0 मीटर से 7 मीटर के बीच. अब ये एरिया को कैसे लिखेंगे देखिए चेंज इन v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to 7 इज द सम ऑफ चेंज इन v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to 4 एंड प्लस सम ऑफ चेंज इन v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 4 to 7. फिर रिपीट करते हैं चेंज इन v स्क्वायर बाय 2 यानी दिस क्वांटिटी फ्रॉम x बराबर 0 to 7 इज इक्वल टू इसको लिख लेते हैं. देखिए इट इज इक्वल टू मान लेते हैं x बराबर 4 मीटर पर मानते हैं कि वेलोसिटी v4 है कुछ है सम वैल्यू v4 से. तो देखिए कहना हम ये चाह रहे हैं कि ये जो एरिया बाउंडेड बाय a वर्सेस x कर्व है और x लाई कर रहा है 0 से 7 में दिस इज नथिंग बट v3 स्क्वायर बाय 2 माइनस v1 स्क्वायर बाय 2. ये देखिए v3 स्क्वायर बाय 2 माइनस v1 स्क्वायर बाय 2. यहां पर x बराबर 4 मीटर पर वेलोसिटी v4 माने हैं. इसको ऐसे लिखिए v3 स्क्वायर बाय 2 माइनस v4 स्क्वायर बाय 2 माइनस v1 स्क्वायर बाय 2. अच्छा आप देखिए ये क्वांटिटी क्या है चेंज इन v स्क्वायर बाय 2 इन द इंटरवल 0 to 4 x वेरिंग फ्रॉम 0 to 4. तो दिस इज नथिंग बट दिस एरिया वही पॉजिटिव एरिया. कहाँ है पॉजिटिव एरिया यानी 0 to 4 में एक्सेलरेशन थ्रू आउट पॉजिटिव है. देखिए तो a1 हो गया प्लस अब ये क्वांटिटी v4 स्क्वायर बाई 2 माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, इसको ऐसे लिखिए। अच्छा एक मिनट, जस्ट हम रिपीट कर रहे हैं एक बार। एरिया चेंज इन v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम x बराबर 0 to 7 इज इक्वल टू चेंज इन v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 4, जो कि इतना है v4 स्क्वायर बाई 2 माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस चेंज इन v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम x बराबर 4 to 7, जो कि आपका -a2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो? जो बोले, जो हम बोले समझे, क्या बोले कि नहीं समझे? मैंने बोल रहे हैं ना, एक बार रिपीट कर रहे हैं। चेंज इन v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 7 इज इक्वल टू दिस मच, दैट इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाई ए वर्सेज एक्स कर्व एंड x बराबर 0 to 7। वो लिखाएगा v3 स्क्वायर बाई 2 माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, जो यहाँ लिखा हुआ वही यहाँ रिपीट हुआ है। अब इसमें v4 स्क्वायर बाई 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट किए, इसको ऐसा लिखेंगे। अब टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, इसको लिखेंगे v4 स्क्वायर बाई 2 माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, ये क्वांटिटी प्लस v3 स्क्वायर बाई 2 माइनस v4 स्क्वायर बाई 2। अब v4 स्क्वायर बाई 2 माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 क्या है? चेंज इन v स्क्वायर बाई 2 व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 to 4 इन दिस एरिया। अब ये एरिया मेरा a1 है, ये क्वांटिटी मेरा a1 हो गया, ये प्लस होगा। काहे प्लस होगा? क्योंकि जब x 0 से 4 में जा रहा है, ये मेरा थ्रू आउट पॉजिटिव है, इसलिए एरिया को पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस v4 स्क्वायर बाई 2, ये क्या देगा? चेंज इन v स्क्वायर बाई 2 एज x वेरीज फ्रॉम 4 मीटर to 7 मीटर। अब 4 to 7 में देखिए एक्सेलरेशन थ्रू आउट नेगेटिव है, ये क्वांटिटी नेगेटिव होगा, यानी इस एरिया का नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ a2 हो जाएगा। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए a1 को क्या लिखेंगे? दिस एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसका हो गया 0 to 4 4, हाइट हो गया इसका 0 से 10 10, ये हो गया a1 हो गया। अच्छा, प्लस माइनस a2 माइनस, अब a2 ये एरिया का मैग्नीट्यूड है, उसको लिखेंगे अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस इसका होगा इतना, अब ये 4 है, ये 7 है, ये 7 minus 4, और यहां से यहां, अब यहां से हम मानते हैं एक्सेलरेशन का कुछ मैग्नीट्यूड है से a1, तो a1 लिख देंगे। अच्छा, a1 कैसे आएगा? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो क्या लिखेंगे? एंड a1 बाई 7 minus 4 3 बराबर 10 बाई 4, तो a1 हो जाएगा 30 बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर a1 आ गया। अब इसमें डाल दीजिए a1 का वैल्यू, तो क्या आएगा? v3 स्क्वायर बाई 2 माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 बराबर a1 आपका ये क्वांटिटी है, 4 into 10 by 2 40 by 2 20 माइनस 7 minus 4 by 2 3 by 2, a1 हो गया 30 by 4, तो कितना आ जाएगा? 20 माइनस 15 3 45 by 4, 80 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 35 होगा, 35 by 4 होगा। तो v3 स्क्वायर बाई 2, v1 आपका 4 है, तो 4 स्क्वायर बाई 2 प्लस 35 by 4 है, 16 by 2, 16 by 2 है, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 प्लस 35 by 4, ये 32 प्लस 35 67, 32 प्लस 35 67 by 5, v3 स्क्वायर बाई 2 हो गया 67 by 4, यानी 67 by 2 हो गया। यानी कि v3 बराबर होगा रूट अंडर 67 by 2 मीटर पर सेकेंड, ये v3 हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो V3 इतना होगा, देखिए √167/2 मीटर पर सेकेंड, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। V3 आ गया, बट हमको निकालना क्या था, चेंज इन वेलोसिटी निकालने बोला था। सॉरी यहाँ आंसर नहीं आएगा, इधर V3 आया। चेंज इन वेलोसिटी होगा V3 - 4। Therefore चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा V3 - 4, तो √67/2 - 4 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। देखिए ये जाके इसका फाइनल आंसर होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी होगा V3 √67/2 - 4 मीटर पर सेकेंड, यही जाके इसका रिक्वायर्ड चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर मिटा देते हैं इसको पूरा। देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली आपका आ सकता है, रिपीट भी होता ही है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि एक बार जो आईआईटी या जेईई नीट में आ गया क्वेश्चन बाद में नहीं आएगा, ऐसा नहीं, घुमा फिरा के सब देता ही है सब। इसको बेस्ट सवाल तो आ ही सकता है, आपका फिट क्वेश्चन आने के लिए है। बस आपको जान लेना है कि ए वर्सेज एक्स का जो ग्राफ होगा वो V2/2 को चेंज देगा, और जो एरिया लेंगे ए वर्सेस एक्स ग्राफ का जो एरिया लेंगे साइन के साथ लेंगे। दो बात को ध्यान में रखना है, उसका फिर आपका तुरंत इवैल्यूएट हो जाएगा। तो ये आपका फिट क्वेश्चन आने के लिए एडवांस मेंस दोनों और नीट सब में आ सकता है। अच्छा देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसको बेस्ट कंसेप्ट पर। देखिए इसमें बोलता है पॉइंट P मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस, सच दैट and initially at origin and is moving along positive x direction at a speed of 4 meters per second. Its A versus X graph is as shown. Its A versus X graph is as shown. ए वर्सेस एक्स ग्राफ ऐसा है, देखिए ये देखिए इसे, ये आपका हो गया 4 मीटर, ये हो गया 8 मीटर/s², ये आपका हो गया 8 मीटर, ये 10 मीटर। अच्छा इसमें दो चीज फाइंड करना है, देखिए फाइंड फर्स्ट The velocity of point P at x बराबर 6 मीटर of point P एट एक्स बराबर 6 मीटर और दूसरा the value of x at which the speed of point P becomes equal to its initial value. ये दो चीजें आपको फाइंड करना है। तो पहला देखिए, पहला इवैल्यूएशन करते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन है। हमको वेलोसिटी बोलता है एट एक्स बराबर 6 मीटर बोलता है। उसके लिए वही एरिया वाला एक्स ग्राफ वाला कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए एक बार जान लीजिए ना, प्रॉब्लम जब आ रहा है इस टाइप का, आपको पहले पता होना चाहिए ना कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कहाँ होना चाहिए, वेयर शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट बी। अगर स्टार्ट ठीक कीजिएगा ठीक तो चांस है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, कहां से स्टार्ट किया जाए? तो देखिए जो पूछा जाता है वही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो हमसे पूछा जाएगा दैट विल बी माय स्टार्टिंग पॉइंट। ये बात जान लीजिए आप, और स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा जो हमसे पूछा जाएगा। यहां आपसे वेलोसिटी बोलता है x बराबर 6 मीटर पर, तो मान लेते हैं कि लेट v2 विद द वेलोसिटी, अभी v लिखे ना, v विद द वेलोसिटी, अभी v1 चलिए एट एक्स बराबर 6 मीटर। तो v1 मेरा अननोन है। अब v1 जानने के लिए क्या करेंगे, वही करेंगे चेंज इन v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ax ग्राफ। तो देखिए ये देखिए, इस ग्राफ को थोड़ा सा रिड्रॉ कर दे रहे हैं। ये है x है, पूरा ग्राफ नहीं बना रहे हैं, रेलेवेंट ग्राफ बना रहे हैं। देखिए ये x बराबर हो गया 6 मीटर हो गया, देखिए, और ये मेरा हो गया 4, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये 6 मीटर, ये एरिया, इस एरिया को बोलते हैं A1 से, यहां पर लिखेंगे देखिए चेंज इन v स्क्वायर बाय 2, चेंज इन v स्क्वायर बाय 2 क्या लिखेंगे, x पर 6 मीटर पर वेलोसिटी v1 माना है, तो v1 स्क्वायर बाय 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आपका 4 मीटर पर सेकेंड है, इज इक्वल टू दिस एरिया। अब ये ट्रेपेजियम है। अच्छा यहां पर साइन लें, प्लस लेंगे ताकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, हाफ इंटू हाइट, यहां से हाइट 8 है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यहां से यहां जो कि 6 है, प्लस यहां से यहां, यहां से यहां वही है जो यहां से यहां है। अब ये 4 है, ये 6 है, तो ये 6 माइनस 4 है, तो ये हो जाएगा कितना, 6 माइनस 4 2, 2 प्लस 6 8, 6 माइनस 4 2 हुआ, 2 प्लस 6 8, 8 8 64 बाई 2 32 हो गया। तो यानी कि v1 स्क्वायर हो गया आपका, ये हो गया 4 स्क्वायर बाई 2, 16 बाई 2 8, 8 प्लस 32 40, v1 स्क्वायर 80 हो गया, v1 हो गया √80, 4 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आएगा, फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है। इसका भी हो जाएगा आपका 4 रूट 5 मीटर पर सेकेंड होगा, जब x बराबर 6 मीटर उसका x कोऑर्डिनेट होगा, उसका वेलोसिटी आपका 4 रूट 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अच्छा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जो सेकेंड बोलता है वैल्यू ऑफ एक्स एट विच स्पीड ऑफ पॉइंट P becomes equal to इट्स इनिशियल वैल्यू। तो मान लेते हैं, देखिए एट एक्स बराबर एक्स नॉट से स्पीड ऑफ पी बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड। बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड। Speed of P becomes 4 meter per second, x naught. यानी कि देखिए एट इनिशियल इंस्टेंट पर टाइम 0 पर, एट इनिशियल इंस्टेंट दैट इज एट टाइम जीरो पर वो x 0 पर है। गिवन अ प्रॉब्लम में देखिए दैट इज एट टी बराबर 0, दैट इज एट एक्स बराबर 0। एंड इक्वल टू कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए जब एट एक्स बराबर 0 मेरा वेलोसिटी भी है 4 मीटर पर सेकेंड और x बराबर एक्स नॉट, स्पीड फिर से 4 हो गया। इसका मतलब है 0 से एक्स नॉट में चेंज इन v²/2 इज 0। चेंज इन v²/2 in x from 0 to change of v²/2 as for x less than x naught and more than 0 is 4²/2 minus 4²/2 यानी 0। यानी कि एरिया बाउंडेड बाई A वर्सेस एक्स कर्व, एरिया बाउंडेड बाय A वर्सेस एक्स कर्व एंड एक्स एक्सिस एंड एक्स बराबर एक्स नॉट एंड एक्स बराबर 0 इज 0। मतलब कि कहने का मतलब यह हुआ कि देखिए इनिशियली स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड था जब ओरिजिन पर था और एक्स नॉट पर फिर उसका स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर एक्स नॉट में भी सेम हो गया, तो v²/2 का चेंज भी 0 हो गया। यानी कि एक्सेलरेशन ए वर्सेस एक्स कर्व जो है 0 से एक्स नॉट में वो 0 हो गया, वो एरिया 0 हो गया। अच्छा अब देखिए ये एरिया 0 होने के लिए एक्स नॉट को 10 से बड़ा होना चाहिए। For this area to be 0, x0 should be more than 10. x0 should be more than 10 मीटर। कारण समझते हैं, क्योंकि x0 अगर 10 से कम होगा, 0 से 10 के बीच अगर लाई करेगा x0, तो उसमें तो a पॉजिटिव है, तो ax कर्व एरिया पॉजिटिव हो जाएगा। समझे? तो कहने का मतलब कि x0 को 10 से बड़ा होना होगा। x0 should exceed 10। एक्स नॉट को 10 से बड़ा होना होगा। एक्स नॉट शुड एक्सीड 10, तभी जाके 0 से एक्स नॉट में टोटल ए वर्सेस एक्स कर्व का जो बाउंडेड एरिया है वो 0 हो जाएगा। मैं यही कहना चाह रहे हैं। उसके लिए एक्स नॉट को 10 से बड़ा होना होगा। क्योंकि अगर एक्स नॉट 10 से कम होगा तो ए मेरा पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए एक्स नॉट, सपोज कीजिए एक्स नॉट 9 मीटर था, यहाँ 9 मीटर, यहाँ तो एरिया ये एरिया होता, इसमें ये तो एरिया प्लस होगा, क्योंकि 0 से 9 में तो ए थ्रू आउट पॉजिटिव है। इसलिए एक्स नॉट को 10 से बड़ा होना होगा। मेरा यही पॉइंट, बेसिक पॉइंट है। अब इसमें सिंपली हम क्या करते हैं कि अच्छा ऊपर लिखते हैं, हाँ इसको मिटा देते हैं ऊपर। खाली वो एक्स नॉट निकालना है तो दोनों एरियाज को कैंसिल कर देना होगा। तो देखिए तो रेलेवेंट डायग्राम हम यहां बना दे रहे हैं फिर से। ये देखिए, लाइक दिस, ये देखिए ये एक्स नॉट है, ये आपका हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया 4 मीटर, ये हो गया 8 मीटर, ये हो गया 10 मीटर। अब जीरो से एक्स नॉट में टोटल एरिया जीरो है, तो ये एरिया जिसको हम बोलते हैं A1 से A1, और ये एरिया जिसको बोलते हैं A2। तो टोटल एरिया बाउंडेड बाय एक्स कर्व क्या लिखाएगा? टोटल एरिया बाउंडेड बाय एक्स कर्व व्हेन एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to x naught is a1, यहां से यहां का एरिया, प्लस माइनस a2, यहां अगेन माइनस लेंगे। कहीं माइनस लेंगे कहे कि 10 से x naught में एक्सेलरेशन थ्रू आउट नेगेटिव है, एरिया को नेगेटिव लेंगे, यही नेट एरिया है तो इसको जीरो होना पड़ेगा, यानी a1 बराबर a2 हो जाएगा। अब a1 इस ट्रेपेजियम का एरिया है, तो हाफ इंटू हाइट, हाइट इसका हो गया 8 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहां 10 है और यहां से यहां, अब यहां से वही होगा जो यहां से यहां होगा। अब ये 4 है, ये 8 है, तो 8 माइनस 4 होगा बराबर ए टू, ये एरिया है राइट एंगल ट्राइंगल का। अच्छा, यहां पर माइनस साइन फिर से नहीं लेंगे, यहां खाली मैग्नीट्यूड लेंगे एरिया का, माइनस यहां डाल दिए। अब ये एरिया कैसे आएगा? हाफ इंटू बेस, बेस इसका होगा ये, अब ये 10 है, ये एक्स नॉट है, ये एक्स नॉट माइनस 10 होगा, इंटू ये हाइट, इस हाइट को ए नॉट मान लेते हैं तो ए नॉट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हाफ हाफ कट गया, 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, 4 प्लस 10 14 इंटू 8 कितना 112, एक्स नॉट माइनस 10 इंटू ए नॉट। अच्छा, ए नॉट कैसे आएगा? इन दोनों में सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो क्या लिखेंगे? ए नॉट बाय दिस एक्स नॉट माइनस 10 बराबर 8 बाई 10 माइनस 8, यानी 8 बाई 2 यानी 4, यानी कि ए नॉट को लिखेंगे 4 इंटू एक्स नॉट माइनस 10, ऐसा लिखेंगे। अब ए नॉट को क्या कीजिए, इसमें डाल दीजिए, दैट्स ऑल। ये लिखाएगा क्या चीज? ये लिखाएगा 112 बराबर x नॉट माइनस 10 इंटू ए नॉट, 4 इंटू एक्स नॉट माइनस 10, यानी कि x नॉट माइनस 10 होल स्क्वायर 112 बाई 4 कितना हो जाएगा 28। तो x नॉट माइनस 10 ये हो गया 4 2 जा 28, हाँ 28, हाँ x नॉट माइनस 10 हो गया होल स्क्वायर 28 है तो √28, 10 प्लस √28 मीटर, यही आंसर होगा। देखिए दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, यहां पर प्लस माइनस 2 आएगा, माइनस साइन को रिजेक्ट कर देंगे, कहे कि एक्स नॉट को 10 से बड़ा होना चाहिए, कहे कि एक्स नॉट शुड बी मोर देन 10, माइनस लेंगे तो 10 माइनस √28 हो जाएगा, यानी 10 से कम हो जाएगा, बट उसको 10 से बड़ा होना है तो माइनस साइन हैज टू बी रिजेक्टेड, नेगेटिव साइन इज रिजेक्टेड, ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यहाँ आपका 5th सेशन भी खत्म हो गया है। अच्छा, एक सेशन और देंगे, इसमें कुछ और भी ग्राफ रिलेटेड मिसलेनियस प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपका ये खत्म हो जाएगा। उसके हम आगे अगला चैप्टर्स का वीडियो डिस्कस कंस्ट्रक्ट करेंगे वीडियो, और तो यहाँ इसको क्लोज कर दीजिए। इसको अच्छा से आप लोग देखिए, समझ गए हैं ना, समझ गए हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में हिसाब से ट्राई कीजिए, ऑब्जेक्टिव बुक से या कोई और सोर्स से, जहाँ भी आप ट्राई कर रहे हैं, देखिए बन जाएगा सब, आपको बहुत हेल्प करेगा, एकदम पूरा सारा बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। डेफिनेटली इसको देखिए, सारा एग्जाम्पल्स आपका ऐसा लिया गया है ना, पूरा चैप्टर को कवर कर देता है, इट कवर्स द एंटायर चैप्टर, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो मैं क्लोज कर दीजिए इसको।